ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਟਿਆਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। आज जिला करनाल से भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं दिल्ली की डिग्री बॉर्डर के लिए और हर हफ्ते में एक जिले के लोगों को काफिला ऐसे ही दिल्ली ले जाया करेंगे ताकि वहाँ पे हाजिरी बनी रहे और किसानों में जागृति बनी रहे। सरकार लगातार कह रही है कोरोना जो किसान फैला रहे हैं तो क्या है? कोरोना किसान नहीं फैला रहे, कोरोना सरकार फैला रही है और सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए किसानों पर इल्जाम लगा रही है। अभी तक उनके पास गैस पूरी नहीं है, एम्बुलेंस पूरी नहीं है, हॉस्पिटल पूरे नहीं है, टीके पूरे नहीं है, तो बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, सड़कों में मर रहे हैं। तो अपनी कमी का अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और अगर उनको इतनी चिंता है तो मुख्यमंत्री क्यों प्रोग्राम करते हैं? हज़ारों की संख्या मुख्यमंत्री खुद लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, कोरोना तो वो लोग बुला रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, उनकी तो कोई मजबूरी नहीं है। क्या कार्यक्रम है, किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं और क्या कार्यक्रम बना रहे हैं? देखिए ये तो एक रूटीन का मैटर है कि वहाँ पर हमारी हाजिरी रहनी चाहिए, सरकार को कहीं ये बेफिक्री ना हो जाए कि हम किसानों में जागृति नहीं है, वो दिखाने के लिए एक प्रदर्शन है कि हम अभी जाग रहे हैं, अभी सोए नहीं। कहती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान आगे नहीं आ रहे हैं, तो हमने भी पत्र लिखा है कि ठीक है हम भी तैयार हैं, तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, करना करना तो उन्होंने कुछ है नहीं, लेकिन पत्र का जवाब इसलिए उनको दिया है कि लोग ये ना कहें कि किसान खुद जिद पकड़े हुए। 26 मई का क्या कार्यक्रम रहेगा जी? 26 मई को काले झंडे लगाएंगे और मोदी के पुतले फूकेंगे और 26 मई को बौद्ध पूर्णिमा भी है, सभी मंचों पर बौद्ध पूर्णिमा भी मनाएंगे। इसके साथ एक सर आगे की क्या रणनीति होने वाली है? देखिए आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम आंदोलन जीत नहीं जाते, उसमें टाइम कुछ भी लग सकता है, उसमें रणनीतियाँ टाइम टाइम पर बदली जा सकती है। संख्या वही हम दिखाना चाहते हैं कि जब वहाँ काम नहीं है तो लोग घरों को आ गए हैं, काम पड़ेगा तो फिर चले जाएंगे। अब आपके सामने तो है एक जिले के लोग, आप देख रहे हैं कितने लोग हैं, करनाल जिले के लोग हैं, केवल करनाल जिले के हैं और 2000 गाड़ी है करनाल जिले की अकेले। और इसके साथ एक यहाँ पर एक अफवाह फैल रही है कि किसानों की डेथ हुई है, वो क्या है, क्या कोरोना से? पता नहीं, ये तो यहाँ वालों को पता होगा लेकिन बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं ये लोग, अफवाह फैलाते हैं और वो बस बदनाम करने के लिए। किसान कभी सिंगू बॉर्डर का नाम आ जाता है, कभी यहाँ का आ जाता है, किसानों को बदनाम करने का। हमारा 11 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ, 10-11 बेड का हॉस्पिटल है सिंगू बॉर्डर में। आप देखिए दिल्ली से लेके अमृतसर तक किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लेकिन हमने जो बॉर्डर पे हॉस्पिटल बनाया हुआ अपना, उसमें 10-11 बेड है, सारे खाली पड़े हैं, एक मरीज दाखिल दिखा दो वहाँ पे, किसी को कोरोना नहीं है। 24 की जो रखी है वहाँ पे हिसार में मीटिंग रखी है, वो क्या रहेगी? हिसार में हमारी मांग है कि जो कानून हमने गलती तोड़ा है उसका मुकदमा हमारे पर उन्होंने दर्ज कर दिया है, जो उन्होंने तोड़ा उसका मुकदमा उन पर दर्ज कर दें। उन्होंने बट्टे मारे हैं, किसी कानून में नहीं है बट्टा मारना। उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, किसी कानून में नहीं है गाड़ी तोड़नी। उन्होंने कोरोना का प्रोटोकॉल जो सीएम ने खुद तोड़ा है, सीएम के जाने के बाद लटवा रहे हैं, हमारे लोगों को बात के लिए बुलाया फिर लटवा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों का मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए। राम जी का एक खत लिखा गया है, उसका मकसद क्या है? आपसे पहले बता हटा हुआ है उसका जवाब दे दिया है और वो पत्र इसलिए लिखा है कि सरकार बार बार कहती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, एक टेलीफोन कॉल की दूरी पे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए हमने पत्र लिखा है कि हम भी तैयार हैं, कोई लोग ये ना कहें कि ये बातचीत करना नहीं चाहते।